हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल डू कंप्लीट डेटा विजुअलाइजेशन इन हिंदी हम इस वीडियो में कंप्लीट डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे हिंदी में ओके okay? व्हाट इज़ डेटा विजुलाइजेशन डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट ग्राफ्स एंड मैप्स एसेक्ट्रा तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है जब आप डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ओके विद द हेल्प ऑफ चार्ट ग्राफ्स मैप्स एक्सेट्रा तो उसे क्या बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हो चार्ट्स की फॉर्म में ग्राफ्स की फॉर्म में मैप्स की फॉर्म में राइट right? इसलिए इसको कहा जाता है डेटा विजुलाइजेशन बिकॉज डेटा इज विजुअल हेयर यू कैन सी डेटा आप डेटा को देख सकते हो राइट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन ओके डेटा विजुलाइजेशन रिप्रेजेंट पैटर्न्स ट्रेंड्स कोरलेस एसेट्रा इन डेटा तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है डेटा का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है मीन्स डेटा कैसे चेंज हो रहा है उसमें डेवलपमेंट कैसा कैसे हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है को रिलेशन रिप्रेजेंट करता है मीन्स एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ क्या कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है ओके okay. एंड देर बाईस डिसीजन टू अंडरस्टैंड ऑफ डेटा तो क्या होता है जब आप डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो डेटा को समझना बहुत ईजी हो जाता है ओके okay? तो इससे क्या होता है डिसीजन मेकर हेल्प मिलती है कि वो डिसीजन ले सके ओके रिलेटेड टू देअर बिजनेस फाइन

री ऑफ पाइथन तो ये पाइथन की बहुत ही हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी है ओके okay? जो बहुत सारे मोड्यूल्स बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप ग्राफ्स को चार्ट को मैप्स को क्रिएट कर सकते हो फाइन Matplotlib library offers many री ऑफर मेनी डिफरेंट Matplotlib library क्या offer करती है आपको बहुत सारे modules present modules करती है देखो, मैं जैसे ये आपका क्या है ये box हमने बनाया ये आपकी है library. Fine, this is your library. अब library के अंदर क्या होते हैं Modules होते हैं ओके okay, और एक मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ sub मॉड्यूल्स भी हो सकता है फाइन तो मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे वन मॉड्यूल ये second modules, second मॉड्यूल module के अंदर सब मॉड्यूल्स फाइन तो ये मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स क्या होता है इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स और फंक्शंस ठीक है मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स फंक्शंस होते हैं ओके okay? मेथड्स और फंक्शन क्या है सेम चीज है फाइन पाइप्लॉट इज वन सच सब मॉड्यूल पाइपलॉट क्या है ऐसा ही एक सब मॉड्यूल है किसका मेट प्लॉट लाइब्रेरी का

और मॉड्यूल बेसिकली है क्या कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है राइट right? तो पाइप्लॉट एक सब मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं मेथड्स क्या होते हैं फंक्शंस, ओके जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं हम टू डी प्लॉट टू डी ग्राफ्स को क्रिएट करते हैं ओके okay? ओके इंस्टॉलिंग एंड इम्पोर्टिंग मेट प्लॉट लेप ओके अब आपको क्या करना है अगर डेटा विजुलाइजेशन के आपको अंदर अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको मेट प्लॉटलेप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा फाइन विद एनाकोंडा अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ कर रहे हैं

एंड देन स्कॉल डाउन टू फाइंड द मेट प्लॉटलिप पैकेज तो आप अगर आपको चेक करना है कि आपके एनागोंडा नेविगेटर में मेट प्लॉटलिप लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हो एनवायरमेंट में क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हो राइट right? तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ देखो ये आपका एनागोंडा नेविगेटर है यहाँ पर आप एनवायरमेंट पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया ओके ना यू कैन सी मेट प्लॉटलिप पैकेज इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ठीक है मेट प्लॉटली लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर ठीक है आपको यहां पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और अगर आप पाइथन आइडल का यूज़ कर रहे हो तो आप, आ, आपको क्या करना है फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड द व्हील पैकेज ऑफ मैट प्लॉट प्लॉटलिप एज पर पाइथनस वर्जन इंस्टॉल एंड प्लेटफॉम ऑन विच इट इज़ इंस्टॉल तो आपको क्या करना होगा मैट प्लॉट प्लॉटलिप पैकेज को आ, आपको डाउनलोड करना होगा और फिर इसको इंस्टॉल करना होगा राइट उसको किसके अकॉर्डिंग पाइथन के वर्जन के अकॉर्डिंग जो पाइथन का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो और आप जो प्लेटफॉर्म मतलब जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग राइट right? आप इसके लिए मैटप्लॉटलिब uh, लाइब्रेरी को इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो एस टी टी पी एस कॉलन डबल स्लैश पी वाई पी आई डॉट ओ आर जी स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश मेट्रॉटलिप स्लैश ओके देन आपका फाइल्स ओके हैश फाइल्स एंड डाउनलोड द रिक्वायर्ड विल पैकेज एज पर योर प्लेटफॉर्म ओके अब यहाँ से इस लिंक से आप uh, री को डाउनलोड कर सकते हो रिक्वायर्ड मेट्रोटलींटॉल इट बाई गिविंग दमांड ऑन दमांड प्रॉम्प्ट इसको डाउनलोड करने के बाद मेट्रोटलिप लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे इसको इंस्टॉल्ड करोगे ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको क्या करना है ये कमांड्स टाइप करनी है python amp pip install amp u pip python amp pip install amp u matplotlib ओके okay, तो आपका क्या होगा matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी फाइन नाउ वी हैव बेसिक्स ऑफ सिंपल प्लॉटिंग फाइन Uh, अब हम देखेंगे प्लॉटिंग uh, मतलब कैसे आप ग्राफ्स क्रिएट करोगे डेटा विजुलाइजेशन असेंशली मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाइल डेटा हम लोग जानते हैं डेटा विजुलाइजेशन क्या है कंपाइल डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओके कंपाइल डेटा मीन्स आपने एक डेटा को एक uh, कलेक्ट किया एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स राइट द ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर वेरी इफेक्टिव टूल्स फॉर डेटा विजुलाइजेशन तो ग्राफ्स और चार्ट्स क्या होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के Uh, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं फाइन वी कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड इन चार्टूजिंग पाइपलॉट पाइपलॉट का यूज करके पाइपलॉट मॉड्यूल का यूज करके बहुत सारे ग्राफ्स और चार्ट बना सकते हो पर यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट वी हैव लाइन चार्ट अ लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर्स तो लाइन चार्ट क्या होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है किस फॉर्म में एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर्स तो यहाँ पे डेटा को हम मार्कर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं राइट यहाँ पे आप डेटा को मार्कर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये जो मार्कर्स हैं वो किसकी हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट है राइट इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं लाइन चार्ट Now we have bar chart. A bar chart is a chart that presents categorical data with rectangular bars with heights proportional to the values that they represent. तो bar chart क्या represent करता है? Data की categories को represent करता है। जैसे यहाँ पे number of people है। Number of people मतलब कितने लोगों ये favourite sports दिए गए हैं categories दी गई है sports की। Okay और इसको represent किया कि कितने लोगों को soccer पसंद है, कितनों कितने categories दी गईं दी गई लोगों की कितने लोगों को बास्केटबॉल पसंद है टेनिस हॉकी एंड बेसबॉल ओके तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बायोग्राफ कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहा है फाइन यहाँ पे डेटा को कैटेगरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है फाइन नेक्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट हिस्टोग्राम में भी क्या कर रहे हैं हम डेटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके इट इज सिमिलर टू अ बार चार्ट बट अ हिस्टोग्राम ग्रुप्स नंबर्स इनटू टू रेंजेस वेर एज द बार चार्ट हैज कैटेगरीज ऑफ डेटा तो बार चार्ट बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है बार चार्ट क्या शो करता है कैटेगरीज शो करता है और हिस्टोग्राम क्या शो करता है यह रेंज को शो करता है फाइन हिस्टोग्राम किसको शो कर रहा है रेंज को शो कर रहा है ओके okay? जैसे हाइट्स ऑफ थर्टी पीपल हाइट्स इन सेंटीमीटर दे दिया तो रेंज दे दिया कि थ्री वन थ्री नाइन पॉइंट फाइव से लेकर वन फोर नाइन पॉइंट फाइव तक के जितने लोग हैं उन हाइट्स uh, जो हाइट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब मान लो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है सिक्स परसेंट लोगों की इतनी हाइट है देन यहाँ से वन फोर नाइन पॉइंट फाइव से लेकर वन फाइव नाइन पॉइंट फाइव की रेंज में कितने लोग हैं देन लाइक दिस तो यहाँ पे हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है रेंज को रिप्रेजेंट करता है और बार चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है ओके okay? तो ये डिफरेंस है दोनों बार की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस क्या है हिस्टोग्राम रेंज को शो कर रहा है और बायोग्राफ बार किस को शो करता है कैटेगरीज को ओके okay. अब हम देखेंगे कि ग्राफ को कैसे आप क्रिएट uh, करोगे राइट right? रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मार्कर्स किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं फाइन द पाइपलॉट इंटरफेस प्लॉट फंक्शन फाइन Right? तो री का पाइपलॉट मॉड्यूल क्या करता है प्लॉट फंक्शन की आपको प्लॉट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप लाइन ग्राफ को क्रिएट कर सकते हो ओके ओके okay. इसको हम सिंपल uh, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी तो हमने क्या किया है मेट प्लॉटलिप के प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ओके okay? और उसको हमने एक एलियास नेम दे दिया पी एल टी राइट अब हम क्या करेंगे पी एल टी का यूज़ करेंगे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेट प्लॉट मेट प्लॉटलिप डॉट पाइपलॉट पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम ओनली पी एल टी को यूज़ कर सकते हैं फाइन ओके okay. अब यहाँ पे हमने क्या लिया एक्स सिक्वेंस लिया और वाई सिक्वेंस सीक्वेंसेस लिए राइट right? जो हमें एक्स पे प्लॉट करना है और वाई पे डेटा प्लॉट करना है हमने वो सीक्वेंस ली है एक्स सीक्वेंस एंड वाई सीक्वेंस फाइन अब आपने क्या लिया plt.plot मतलब यहाँ पे क्या है plt.plot प्लॉट uh, क्या है एक फंक्शन है किसका पाइप प्लॉट मॉड्यूल का राइट right? पाइप प्लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है प्लॉट ओके okay? उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया एक्स सीक्वेंस को पास कर दिया और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया फाइन ओके okay. uh, तो क्या होगा प्लॉट फंक्शन क्या करेगा एक्स सीक्वेंस जो आपने पास किया उसको एंड वाई सीक्वेंस जो पास किया उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ प्लॉट कर देगा उसको ड्रॉ कर देगा फाइन नेक्स्ट हमने क्या किया है प्लॉट मॉड्यूल का शो फंक्शन यूज किया है पाइप्लॉट पी एल टी डॉट शो फंक्शन तो इससे क्या होगा जो आपने जो ग्राफ बना है वो क्या होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा वो शो हो जाएगा फाइन सिंपल वेरी सिंपल देखो यहाँ पे जो आपने एक्स सीक्वेंस दी थी यहाँ पे देखो वन टू थ्री वन से लेकर थ्री तक और वाई सीक्वेंस दी थी आपने टू देन थ्री पॉइंट फाइव फाइव थी तो यहाँ पे क्या है प्लॉट फंक्शन ने क्या किया है एक्स एंड वाई सीक्वेंस को एज अ लाइन ग्राफ शो कर दिया एज अ लाइन ग्राफ उसको क्रिएट कर दिया है प्लॉट कर दिया और यू कैन से फाइन और शो फंक्शन की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया डिस्प्ले करा दिया है फाइन ओके okay. अब हम क्या करें सेटिंग लेबल फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस हम एक्स और वाई एक्सिस के लिए लेबल्स सेट करेंगे और टाइटल चार्ट का टाइटल देंगे फाइन ओके okay. आप क्या कर रहे हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का लेबल सेट करोगे मतलब लेबल क्या होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप हेडिंग देते हो ओके okay. वो और चार्ट का टाइटल फाइन तो सिंपल आपने क्या किया आप आ, इंपोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट आप मेट को हमेशा इंपोर्ट करोगे क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हो ओके मेट प्लॉट लिप के आपने पाइप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया एज अ पीएलटी आपने उसका एक नेम रख दिया पीएलटी फाइन यहाँ पे हमने एक्स सिक्वेंस ले ली है ओके दिस इज़ आर एक्स सिक्वेंस एंड दिस इज बाई सिकवेंस एक्स सिक्वेंस क्या है जो डेटा आप प्रेजेंट करना चाहते हो एक्स एक्सिस पर ओके एंड बाई और जो आप बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो फाइन ओके okay, अब आपने क्या लिया है पी एल टी डॉट एक्स एक्स किसका फंक्शन है पाइप लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है जो क्या सेट करता है एक्स लेबल को एक्स एक्सिस के लेबल को सेट करता है ओके okay, तो आपने पी एल टी डॉट एक्स लेबल लिया और जो भी आपको एक्स एक्सिस पे uh, क्या लेबल देना है वो आप उस पर एज अ स्ट्रिंग आप उसमें उस लिख दोगे ठीक है यहाँ पे आपने टाइप कर दिया ओवर्स ठीक है तो यहाँ पे हमारा आ गया ओवर्स ठीक है देन पीएलटी डॉट वाई लेबल तो वाई लेबल क्या है फंक्शन है किसका पाइप पाइपलॉट मॉड्यूल का जो क्या सेट करता है वाई एक्सिस का लेबल सेट करता है तो इसमें मैंने दे दिया रन स्कोड फाइन देन पीएलटी डॉट टाइटल टाइटल जो फंक्शन है वो क्या सेट करेगा वो आपके ग्राफ का टाइटल सेट करेगा फाइन ओके okay. तो यहाँ पे आप टाइटल दे दो ओवरवाइज रन्स रन कोर्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये दे दिया हमने ठीक है देन आपने दिया पी एल टी डॉट अब आपने आ, लेवल सेट कर दिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल दे दिया अब आप क्या करोगे जो आपका डेटा है एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस है उसको आप प्लॉट कराओगे मतलब उसको एज अ लाइन ग्राफ आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपने प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया ओके पाई प्लॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया और उसमें एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस को पास कर दिया फाइन तो ये क्या करेगा इस सिक्वेंस को एज अ प्लॉट क्या करेगा प्लॉटिंग कर देगा मीन्स एज ए ग्राफ उसको शो कर देगा फाइन नेक्स्ट आपने पी एल टी डॉट शो फंक्शन दिया मतलब पाई प्लॉट का शो फंक्शन यूज़ किया जिसकी हेल्प से ये क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा सिंपल देखो आपका यहाँ पे लेबल आ गया एक्स लेबल देन ये आपका वाई लेबल लेबल यहाँ पे आ गया ये आपकी टाइटल आ गया चार्ट का और ये आपका डेटा क्या हो गया एज प्लॉट हो चुका है एक्स एंड वाई सिक्वेंस आपकी प्लॉट हो चुकी है फाइन ओके नाउ वी हैव चेंजिंग लाइन कलर लाइन विथ एंड लाइन स्टाइल जो आपका लाइन ग्राफ है आप उसके अंदर लाइन कलर को चेंज कर सकते हो लाइन की विथ को चेंज कर सकते हो लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हो राइट right? तो यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट एस पी एल टी राइट हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराया देन हमने एक्स एंड वाई सिक्वेंस लिए हैं डेटा जो हमें प्लॉट कराना है इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ ओके पी एल टी डॉट एक्स लेबल एंड वाई लेबल आपने दे दिया ओके okay. जो यहाँ पे आएगा एक्स पे आएगा एक्स एक्सिस पे आएगा वाई एक्सिस पे आएगा, आएगा देन टाइटल आपने दे दिया राइट right? ओके okay. अब हम करेंगे प्लॉट फंक्शन का यूज पाइप प्लॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन का यूज ओके okay, उसके अंदर आपने एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास कर दिया राइट right? नेक्स्ट आपने क्या किया कलर करेक्टर पास किया है कलर करेक्टर पास किया है ओके टू टू रिप्रेजेंट द कलर मतलब आप जो कलर देना चाहते हो उसका आपने करेक्टर यहाँ पे पास कर दिया जैसे आप अगर आपने आर दिया है तो आप रेड कलर में ही आएगा आप जी देते तो ग्रीन में आता एम देते तो मेजेंटा में आता लाइक दिस like तो आपने कलर करेक्टर दिया यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट प्लॉट फंक्शन में ओके okay. आपने उसके बाद दे दिया लाइन विथ जो आपकी लाइन ग्राफ है उसमें जो लाइन की विथ है वो क्या हो वो फोर पिक्सल्स की हो वो आपने एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया लाइन विथ एज अ आपने पास किया प्लॉट फंक्शन में एंड लाइन स्टाइल लाइन स्टाइल आपने दे दिया डैश आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो सॉलिड दे सकते हो डॉटेड दे सकते हो राइट right? तो यहाँ पे आपने लाइन स्टाइल भी एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया प्लॉट फंक्शन में राइट right? इससे पहले हम क्या करते थे सिंपल तो को पास करते थे जो तो बाय तो डिफ़ॉल्ट वो आ जाता था। फाइन यहाँ पे हमने कलर दिया है लाइन की विथ दी है और लाइन स्टाइल दिया है ओके okay? देन आपने क्या किया अपने ग्राफ को शो करा दिया नाउ यू कैन सी दिस इज द ग्राफ राइट जो लाइन का कलर है वो रेड है लाइन की विथ है फोर पिक्सल एंड लाइन का जो स्टाइल है वो क्या है डेस्ट है फाइन ओके द फॉलोइंग कलर एब्रीवेश्स आर सपोर्टेड आप ये एब्रीवेशन दे सकते हो कलर लाइन कलर के लिए बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन आर फॉर रेड सी फॉर सियान एम फॉर मैजेंटा वाई फॉर येलो के फॉर ब्लैक एंड डब्ल्यू फॉर वाइट ओके टू चेंज द लाइन स्टाइल यू कैन एड फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शन आर आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट फंक्शन अगर आपको लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट दे सकते हो या फिर आप एल एस दे सकते हो और जो भी आपको लाइन का स्टाइल देना है सॉलिड dot, वो आप दे सकते हो ओके लाइन विद प्रॉपर्टी सेट द विथ ऑफ एन एक्सेस लाइन इन पिक्सल और लाइन विथ प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लाइन की विथ को चेंज कर सकते हो तो ये तीनों में करके दिखा चुकी हूँ कि कैसे आप कलर चेंज कर सकते हो कैसे आप लाइन स्टाइल दे सकते हो कैसे आप लाइन विथ दे सकते हो फाइन ओके नाउ चेंजिंग मार्कर टाइप साइज एंड कलर तो लाइन ग्राफ क्या होता है ये क्या होता है आप इसमें डेटा को मार्कर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ओके okay? जो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हम मार्कर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं मार्कर का साइज भी और कलर भी चेंज कर सकते हैं ओके टू चेंज मार्कर टाइप इट्स साइज एंड कलर यू कैन गिव द फॉलोइंग एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट फंक्शन तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको मार्कर का टाइप साइज और साइज uh, और कलर चेंज करना है तो तो आप प्लॉट फंक्शन में ये आ, ये आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो कौन कौन से मार्कर आप मार्कर का टाइप दे सकते हो कोई भी वैलिड ओके मार्कर का साइज दे सकते हो पॉइंट्स में और मार्कर का एज कलर दे सकते हो फाइन ओके कोई भी कलर ओके okay, तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इंपोर्ट मेट प्लॉटलिप डॉट पाइपलॉट एस पी आपने मेट लाइब्रेरी के पाइपलॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया उसका एलिया नेम दिया पीएलटी एल टी राइट हमने दो सीक्वेंस ले लिए एक्स एंड वाई ओके okay. uh, 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 जो जिसको क्या करना है प्लॉट करना है ओके देन पी एल टी डॉट एक्स लेबल आपने दे दिया पी एल टी डॉट वाई लेबल दे दिया टाइटल दे दिया ओके okay. अब पीएलटी डॉट प्लॉट आपने पाई प्लॉट के प्लॉट फंक्शन के अंदर पास कर दिया एक्स और वाई सीक्वेंस को जो आपको क्या करना है प्लॉट कराना है जो सीक्वेंस आपको प्लॉट कराना है ओके okay, मार्कर अब मार्कर को हमने क्या दे दिया टाइप दे दिया प्लस यहाँ पे टाइप दे दिया प्लस मार्कर का साइज क्या दे दिया है टेन पॉइंट्स ओके और मार्कर एच कलर मार्कर का जो कलर दिया है हमने दे दिया रेड फाइन तो आपने थ्री आर्ग्यूमेंट्स पास कराए हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर मार्कर मार्कर साइज एंड मार्कर एच कलर फाइन ओके okay. नाउ आपने उसको क्या कराया आपने अपने ग्राफ को शो करा दिया नाउ यू कैन सी मार्कर प्लस फॉर्म में आया है ओके okay? उसका साइज टेन है नाउ इट्स विजिबल टू यू अदरवाइज लाइन ग्राफ में क्या होता है मार्कर्स विजिबल नहीं होते ओके okay? यहाँ पे आपने इसका साइज टेन दिया है तो विजिबल है और एच कलर आपने रेड दिया है तो नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल रेड कलर में आपका मार्कर आया है फाइन तो आपको मार्कर में कोई चेंज करना है तो आपको प्लॉट फंक्शन के अंदर मार्कर uh, 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 आपको

ओके बार ग्राफ और बार चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स तो बार चार्ट क्या होता है जिसके अंदर आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स की फॉर्म में ओके डेटा को आप दिखाओगे वर्टिकल बार्स की फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल बार्स की फॉर्म में इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर द क्वांटिटीज आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो आप कैटेगरीज को शो कर सकते हो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो ओके पाइप बार चार्ट क्रिएट करता है फाइन देखो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइप्लॉट एस पी एल हमने क्या किया पाइपलॉट को इम्पोर्ट किया है एस उसका नेम दे दिया है पीएल फाइन ओके इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी हमने नम्पाई लाइब्रेरी को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्योंकि हम नम्पाई लाइब्रेरी के रेंज फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे फाइन ओके okay. अब देखो यहाँ पे ओवर रेंज हम आपने क्या लिया है ओवर रेंज एक वेरिएबल uh, लिया है और ओके okay, उसके अंदर आपने वैल्यूज लिए एज अ लियक्वेंस ओके एज अ सिक्वेंस एज अ रेंज आपने लिए देखो वन टू टेन देन इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी वन टू फोर्टी आपने एज अ रेंज लिया इसको फाइन देन दूसरा वेरिएबल लिया रन सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव आपने इसके अंदर क्या लिया सिक्वेंस ऑफ वैल्यूज लिए ओके नौ पी एल डॉट बार अब बार फंक्शन के अंदर आप पास करोगे ओवर रेंज एंड रन स्को तो ये आपकी क्या है ये आपकी सिक्वेंस है जो आप प्लॉट करना चाहते हो ओके ओवर रेंज में आपने क्या लिया है आपने डेटा एज अ रेंज लिया वन टू टेन सी वन टू टेन देन इलेवन टू ट्वेंटी लाइक दिस फाइन देन रन स्कोर तो ये आपने जो ये यहाँ पर लिया है वो एक्स एक्सिस पे जो लिया है वो एक्स एक्सिस पे आएगा और रन स्कोर कहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे आएगा तो रन स्कोर आपका वाई एक्सिस पे आया है राइट right? आपने पी एल डॉट एक्स लेवल दे दिया एक्स लेवल आपका सेट हो गया और ओवर इंटरवल देन वाई लेवल आपने दिया रन स्कोर ओके okay, टाइटल आपने दे दिया इंडिया स्कोरिंग इंडिया का स्कोर राइट एंड पी एल पी एल डॉट शो सिंपल आपने इसको शो करा दिया तो यहाँ पे देखो रेंज आ गई है टू टू तो 1 10 में आपका जो था वो क्या था सिक्सटी फाइव तो यहाँ पे देखो सिक्सटी फाइव इसने आ, आ, शो कर दिया है ओके okay? देन आपका था इलेवन टू ट्वेंटी फिफ्टी फाइव तो इलेवन टू ट्वेंटी फिफ्टी फाइव तक आ गया आपका देन आपका ओके okay, ट्वेंटी वन टू थर्टी आपका था सेवेंटी ओके okay, तो लाइक like दिस आपने ये क्या हुआ है इन द फॉर्म ऑफ बार्स रिप्रेजेंट हो गया आपका डेटा फाइन आपने एक्स एक एक्सिस पे दे दिया है सिक्वेंस एंड वाई एक्सिस पे आपने क्या दे दिया है रन स्कोर ठीक है तो सिक्वेंस हमने क्या बताया ओवर्स इंटरवल मतलब टू ट्वेंटी ओवर्स में कितने रन बने लाइक दिस फाइन सिंपल आपने सिंपली क्या किया पाइप लॉट के बार फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर आपने एक्स सिक्वेंस और वाई सिक्वेंस को पास कर दिया फाइन ओके नाउ वी हैव चेंजिंग विथ एंड कलर ऑफ बार्स इन अ बार चार्ट अगर आपको बार चार्ट के अंदर बार्स की विथ को चेंज करना है ओके okay, और कलर को चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो बाई डिफॉल्ट बार चार्ट ड्रॉस बार्स विथ इक्वल विथ एंड हैविंग अ डिफॉल्ट विथ ऑफ जीरो पॉइंट एट यूनिट्स ऑन अ बार चार्ट तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है बार चार्ट की एक डिफ़ॉल्ट विथ है उस जीरो पॉइंट एट यूनिट्स उसमें ही वो क्या करता है विथ को ड्रॉ मतलब सॉरी बार्स को ड्रॉ करता है ओके okay? अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे विद आर्ग्यूमेंट दोगे और जो भी आप विद देना चाहते हो एज अ वैल्यू इसमें पास करोगे टू स्पेसिफाई कॉमन विथ अदर देन द डिफॉल्ट विथ फॉर ऑल द बार्स यू कैन स्पेसिफाई विथ आर्ग्यूमेंट हैविंग अ स्केलर फ्लॉट वैल्यू स्केलर फ्लॉट वैल्यू मीन सिंगल फ्लॉट वैल्यू मतलब अगर आप चाहते हो सारी बार्स की आप सेम विथ चाहते हो और डिफरेंट चाहते हो तो आप क्या करोगे विथ आर्ग्यूमेंट दोगे और उसके अंदर कोई भी एक सिंगल फ्लॉट वैल्यू दे दोगे फाइन बार फंक्शन के अंदर ओके okay? तो यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट डॉट बार बार के अंदर आप दोगे एक्स सिक्वेंस वाई सिक्वेंस और विथ आर्ग्यूमेंट जहां पे आप आ, क्या करोगे स्पेसिफाई करोगे डिफरेंट विथ जो आप देना चाहते हो फाइन ओके okay. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट एस पी एल ओके इम्पोर्ट नम पाई नम्पाई हमने ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ डेटा दे रहे हैं रेंज की फॉर्म में इसलिए हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के लिए क्या ले लिया रेंज डेटा एज अ रेंज ले लिया है हमने देन वाई एक्सिस के लिए हमने रन स्कोर ले लिया है ओके एज अ सिक्वेंस ऑफ डेटा अब आपने क्या किया पी एल डॉट बार बार के अंदर आपने आ, आ, ओवर रेंज डेटा जो आपको एक्स एक्सिस का डेटा है वो एंड वाई एक्सिस का डेटा आपने उसमें पास कर दिया ओके okay, विथ अब यहाँ पे हमने विथ दे दिया है जीरो पॉइंट थ्री यूनिट्स ओके डिफॉल्ट क्या होती है जीरो पॉइंट एट यूनिट्स पर पर हमने इसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है और कलर हमने बार का दे दिया है जी ग्रीन ओके ओके राइट तो आपने क्या कर दिया है विथ एंड कलर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है बार फंक्शन के अंदर फाइन ओके okay, आपने फिर क्या किया एक्स लेबल दे दिया है एक्स लेबल फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया क्या आप एक्स एक्सिस पे कौन सा लेबल देना चाहते हो वाई लेबल दे दिया है टाइटल दे दिया है एंड देन आपने क्या किया पीएल uh, डॉट शो कर दिया मीन्स पाइपलॉट का पाइपलॉट के शो फंक्शन का यूज किया है बार को आप अपने uh, बायोग्राफ को शो करने के लिए फाइन तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका ग्राफ आया है उसमें जितनी भी बार्स हैं उसका कलर ग्रीन है और बार्स की जो विथ है वो क्या है जीरो पॉइंट थ्री यूनिट है फाइन ओके ओके अगर आप चाहते हो कि जितनी भी बार्स हैं ठीक है उनकी विथ क्या हो डिफरेंट हो राइट right? तो आप क्या करोगे विथ के अंदर स्केलर वैल्यू ना देके लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे

ओके okay. देन आपने दे दिया एक्स लेबल वाई लेबल एंड टाइटल राइट एंड देन आपने उसको uh, क्या करा दिया शो सिंपल तो अगर आपको चेंज अगर आप विथ आर्ग्यूमेंट के अंदर एज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रहे हो तो क्या होगा वो uh, uh, वाइज बार पे अप्लाई हो जाएंगी फाइन और ये ध्यान रखना है उतनी ही वैल्यूज लेनी है जितने की बार्स क्रिएट हो रही हैं फाइन तो यहां पे देखो फर्स्ट की जो विथ है वो जीरो पॉइंट वन यूनिट है सेकंड की है जीरो पॉइंट टू यूनिट देन जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव लाइक दिस और हमने कलर सिर्फ ग्रीन लिया है तो सब पे जितनी भी बार्स है उनका कलर क्या है ग्रीन ओके टू स्पेसिफाई डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ अ बार चार्ट अभी हम क्या कर रहे थे जैसे आप एक ही कलर करेक्टर देते थे तो वो कलर क्या होता था सारे बार्स पे अप्लाई हो जाता था ओके okay? अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना है तो सेम जैसे आपने विथ में किया था जब आपने विथ आर्ग्यूमेंट को पास किया था तो आपने एज अ सिक्वेंस डिफाइन किया था पर बार आपकी कौन कौन क्या क्या विथ होनी चाहिए ऐसे आप कलर आर्ग्यूमेंट जब दोगे तो आप क्या करोगे सिक्वेंस ऑफ कलर करेक्टर्स दोगे जो अप्लाई होंगे बार्स पे तो यहाँ पे जो आर है वो किस पे अप्लाई होगा फर्स्ट बार पे रेड हो जाएगा सेकंड बार पे ग्रीन देन थर्ड पे ब्लू देन आपका सियान देन मेजेंटा राइट और ये ध्यान रखना है जब आप कलर आर्ग्यूमेंट के अंदर ठीक है कलर आर्ग्यूमेंट में आप लिस्ट ऑफ़ करेक्टर्स कलर करेक्टर्स दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है आप उतने ही करेक्टर्स uh, दोगे जितनी आपके क्या है बार्स क्रिएट हो रही हैं फाइन तो यहाँ पे हमारे वन टू थ्री फोर फाइव बार्स थे तो हमने क्या किया फाइव करेक्टर्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए राइट अगर आप सिंपल रेड uh, देते मान लो आप एज अ सिक्वेंस नहीं देते तो मैं कलर इक्वल्स टू रेड कर देती ओनली तो क्या होता जितनी भी बार्स होती है वो रेड होती है यहाँ पर हमने क्या दे दिया है कलर करेक्टर्स का सिक्वेंस दे दिया है In color argument. फ़ाइन तो ये आपको ये फंक्शन पता है कैसे करना है राइट right? मैं ये समझा चुकी हूँ अभी ठीक है कि आपको मेट प्लॉटली लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट किया नम्पाई को इंपोर्ट किया आपने एक्स एक्स सिक्वेंस दे दी बाई सिक्वेंस दे दी बार फंक्शन के अंदर आपने एक्स सिक्वेंस और बाई uh, सिक्वेंस को पास कर दिया विथ आर्ग्यूमेंट दे दी कि बार की विथ कितनी होनी चाहिए हमने जीरो दिया है तो जीरो यूनिट हो जाएगी कलर आपने दे दिया है कलर में आपने एज अ सिक्वेंस कलर करैक्टर्स दे दिए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बार्स पर वो अप्लाई हो जाएंगे राइट right? आप आपने 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 दे 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 दिया, 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 की से अपने को करा करा अभी तक आपने क्या किया था वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट किया था अगर आपको हॉर्जोनटल बायोग्राफ क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे टू क्रिएट अटल बार चार्ट बार एच फंक्शन इज यूज्ड ओके इन प्लेस ऑफ बार फंक्शन तो यहाँ पे हम बार फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे बार एच फंक्शन यूज़ करेंगे द लेबल डेट वी गिव टू एक्स एक्सिस इन बार बिकम्स वाई एक्सिस लेबल इन बार एच एंड वाइस वर्सा तो यहाँ पे क्या होगा लेबल्स चेंज हो जाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगा कैसे यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने मेट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट मॉड्यूल को राइट right? देन आपने नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ओके आपने क्या लिया है एक्स सिक्वेंस ली है सिटीज ओके और आपने उसमें वैल्यूज दी है कानपुर लखनऊ प्रया, प्रयागराज वाराणसी ओके एंड आपने वाई सिक्वेंस क्या लिया है टेम्परेचर उनका टेम्परेचर लिया है फाइन अब आपने क्या किया पाइप पाइप्लॉट के बार एच फंक्शन में पास कर दिया सिटीज को एंड टेम्परेचर को राइट right? तो जब हम बार फंक्शन में पास करते हैं तो जो हमारी पहली आर्ग्यूमेंट होती है वो एक्स एक्सिस होती है और सेकंड क्या होती है वाई एक्सिस होती है लेकिन इसमें रिवर्स हो जाएगा पहली आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी वाई एक्सिस तो सिटीज कहाँ जाएगी वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे देखो सिटीज वाई एक्सिस पे गया है और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो हमारी एक्स एक्सिस होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या बन जाएगा हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा टेम्परेचर ठीक है रिवर्स हो गया ओके बाय डिफॉल्ट क्या होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है राइट लेकिन बार एच में क्या होगा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो वाई एक्सिस होगी और जो सेकंड आर्गुमेंट है वो क्या होगा एक्स एक्सिस होगी तो सिटीज हमारा वाई एक्सिस पे गया है और टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पे गया है फाइन आपने फिर एक्स लेबल दे दिया टेम्परेचर वाई लेबल दे दिया सिटीज ओके टाइटल दे दिया चार्ट का सिटी वाइज टेम्परेचर रिकॉर्ड फाइन और आपने चार्ट को शो करा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हॉर्जोटल बायोग्राफ आ गया है फाइन सिंपल ओके तो सिंपली आपको क्या करना है ओनली बार एज फंक्शन का यूज करना है और बार एज फंक्शन के अंदर आपको अपनी सीक्वेंस को पास कराना है फाइन ओके क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट्स अगर आपको मल्टीपल बार चार्ट्स को क्या करना है क्रिएट करना है तो आपको क्या-क्या करना है सबसे पहले आपको करना है डिसाइड द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स राइट सबसे पहले आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी एक्स पॉइंट्स वी नीड टू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे आपको कितने पॉइंट्स पर प्लॉट करना है बार चार्ट कितने पॉइंट्स पर आपको चाहिए फाइन ओके देन आप क्या डिसाइड करोगे डिसाइड द थिकनेस ऑफ ईच बार सबसे पहले आप पॉइंट्स डिसाइड करोगे कि एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे आपको कितने एक्स पॉइंट्स पे आपको बार्स को ड्रॉ करना है ओके सेकंड थिंग टू डिसाइड द थिकनेस ऑफ इच बार दैट वी आर ड्राइंग ऑन ईच पॉइंट तो सेकंड आप क्या डिसाइड करोगे थिकनेस की जो जो बार्स होंगी उनकी थिकनेस क्या होगी ओके फाइन गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंजेस यूजिंग कलर आर्गूमेंट ऑफ द बार फंक्शन इसको हम करेंगे तो पहले मैंने एक सिंपल इसको पूरा मैंने पढ़ के ना आप नहीं पढ़ के आपको सिर्फ इतना बता दिया कि आपको दो पॉइंट डिसाइड करने हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ एक्स पॉइंट ठीक है एक्स एक्सिस पे कितने एक्स पॉइंट होंगे राइट right? और जो बार्स होंगे उसकी थिकनेस क्या होगी फाइन ये दो चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे मल्टीपल बार चार्ट में फाइन क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट आप इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आप मल्टीपल बार चार्ट कैसे क्रिएट करोगे सबसे पहले आपने क्या किया इंपोर्ट किया मेट प्लॉटली डॉट पाइपलॉट को ओके पाइपलॉट मॉड्यूल को एस पी एल हमने उसका नाम दे दिया पी एल को हमने इंपोर्ट कर दिया numpy लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे दो सिक्वेंस ले लिया ए एंड बी फाइन अब एक्स के अब अब हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं डिसाइड करें एक्स पॉइंट्स ठीक है यहाँ पे एक्स पॉइंट्स डिसाइड करें ओके okay? तो इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या कर सकते आप क्या करते हो दो फंक्शंस का यूज़ करते हो नम आप नम्पाई लाइब्रे लाइब्रेरी के लेंस लिंस पेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर अरेंज फंक्शन का यूज़ कर कर सकते हो फाइन ओके okay? समझ आ रहा है एक्स पॉइंट्स मतलब एक्स एक्सिस पर uh, कितने पॉइंट्स आपको चाहिए उसको हम एक्स पॉइंट्स कह रहे हैं ठीक है कितने आपको पॉइंट्स uh, चाहिए वो हम किसकी हेल्प से डिसाइड कर रहे हैं वो हम लिन स्पेस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं लिन स्पेस फंक्शन किसका है नंपाई लाइब्रेरी का फंक्शन है फाइन ओके okay. तो यहाँ पे हमने दिया लिन स्पेस फंक्शन के अंदर हमने पास किया वन कोमा फिफ्टी वन कोमा फाइव ओके okay, तो ये क्या है द लिन स्पेस विल क्रिएट रो ऑफ फाइव पॉइंट्स तो यहाँ पे फाइव क्या है फाइव एक्स पॉइंट्स क्रिएट करेगा ओके लिनियरली स्पेस्ड बिटवीन एंड इंक्लूडिंग वन एंड फिफ्टीन मीन्स अब इस, इसका क्या मीनिंग है ध्यान से समझो इसका मीनिंग है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर फाइव एक्स पॉइंट्स आएंगे ओके ओके और वो ए, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे लीनियर लि, फॉर्म में होंगे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और वो किस उनकी रेंज क्या होगी वन पॉइंट से लेकर फिफ्टी वन पॉइंट के बीच में आप क्या करोगे आपके पास एक्स एक्स पॉइंट्स है जहाँ पर आप अपनी बार को ड्रॉ करोगे ठीक है आपके पास फाइव एक्स पॉइंट्स हैं ओके जो इंक्लूड करेंगे वन से लेकर फिफ्टी वन तक ओके okay, वैल्यू uh, को राइट right, आप उसके अंदर अपने बार्स को ड्रॉ करोगे समझ आया तो यहाँ पे हमने numpy लाइब्रेरी के लिन स्पेस फंक्शन का यूज़ किया है और उसमें हमने पास किया कि हम जो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि फाइव एक्स पॉइंट्स आएंगे एक्स एक्सिस पर ओके डेट विल इंक्लूड वन टू फिफ्टी वन वैल्यूज और आप इन फाइव पॉइंट्स के ऊपर अपने बार्स को ड्रॉ करोगे फाइन अब आपने दिया पी पी वन राइट right? आपने अब क्या किया है पी वन डॉट बार बार फंक्शन के अंदर आपने एक्स दिया मतलब एक्स आपका जो पॉइंट है वो ओके एक्स पॉइंट पर आपने किसको प्लॉट कराना है ए को राइट right? ए को प्लॉट कराना है ए सिक्वेंस को प्लॉट कराना है फाइन ओके okay, जो आपकी बार की विथ है वो क्या है थ्री है कलर आपका रेड है और आपने लेवल जो बार का दिया है ओके लेवल मींस लेजेंड का लेवल वो आपने क्या दिया है ऑस्ट्रेलिया दे दिया है फाइन तो हमारा जो फर्स्ट बार है उसका हमने उसको ड्रॉ करा दिया राइट right? अब हमें सेकंड बार ड्रॉ करानी है ओके okay? जो फर्स्ट बार है उसकी हेल्प से हम ए सिक्वेंस को ड्रॉ करा रहे हैं ए सिक्वेंस को फाइन ये आपकी ए सीक्वेंस ड्रॉ हो रही है अब आपने दिया P1 डॉट बार x plus three क्योंकि फर्स्ट बार ने कितना स्पेस लिया था x लिया था fine आपने x दिया था right और फर्स्ट बार की विथ क्या थी three थी तो x plus x plus राइट right जो सेकंड बार की विथ है वो क्या आ जाएगी x plus three x पॉइंट पर x plus राइट right ओके okay, सीक्वेंस क्या है बी इसकी विथ भी क्या है थ्री कलर इसका ग्रीन है और इसका लेबल क्या है इंडिया तो देखो टोटल तो समझो जो फर्स्ट बार थी उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था उसने एक्स लिया था ठीक है एक्स लिया था फाइन तो सेकेंड बार ने कितना लिया एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस क्यों लिया क्योंकि उसकी विथ कितनी थी थ्री आर यू गेटिंग दिस राइट तो फर्स्ट बार जो फर्स्ट बार है वो ए सीक्वेंस को शो कर रहा है सेकेंड बार आपका बी सीक्वेंस को शो कर रहा है फाइन आपने एक्स लेवल दे दिया ओवर्स वाई लेवल दे दिया रन को टाइटल आपने दे दिया है स्कोरिंग चार्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ओके अब यहाँ पे हमने लेबल दिया था लेबल ये किसका लेबल uh, है ये हमारा लेजेंड का लेबल है राइट right? ये आपका लेजेंड आ गया आप uh, पीएल डॉट लेजेंड फंक्शन का यूज किया टू डिस्प्ले द लेजेंड ये आपका क्या है लेजेंड है ठीक है ओके एंड देन पीएल डॉट शो आपने शो फंक्शन से अपने मल्टीपल बार चार्ट को क्या करा दिया डिस्प्ले करा दिया ठीक ओके सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया था देखो तो तो फिर से मैं बता रही हूँ सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि फाइव एक्स पॉइंट्स डिसाइड किए जो वैल्यू इंक्लूड करेंगे वन टू फिफ्टी वन फिर आपने क्या किया सीक्वेंस को प्लॉट कराया सबसे ओके फर्स्ट बार फंक्शन के थ्रू आपने फर्स्ट सिक्वेंस को प्लॉट कराया ओके जो फर्स्ट बार थी उसने एक्स स्पेस लिया ठीक है उसकी विथ क्या थी थ्री कलर रेड था लेबल आपने ऑस्ट्रेलिया दिया सेकेंड जो बार थी उसने एक्स प्लस थ्री क्योंकि पहले ने एक्स ले लिया था तो एक्स प्लस थ्री राइट right? विथ को ऑक्यूपाई किया ओके okay. देन उसकी सेकेंड बार की भी विथ थ्री थी तो टोटल सिक्स यूनिट इन्होंने ऑक्यूपाई किया थ्री प्लस थ्री सिक्स कलर ग्रीन एंड लेबल इंडिया फाइन ओके सो दिस इज योर मल्टीपल बार चार्ट फिगर पाई प्लॉट बाई डिफॉल्ट एवरी चार्ट इन टू एन एरिया और फिगर जो जो कम्प्लीट चार्ट होता है उसको आप बोलोगे फिगर फाइन जो कम्पलीट चार्ट का एरिया है उसको आपने बोल दिया फिगर दिस इज योर फिगर फाइन ओके ओके देन वी हैव एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यू नो इट ओके ऑन विच द एक्सिस डिफाइन द एरिया इन शेप फॉर ऑन विच एक्चुअल प्लॉट विल अपीयर एक्सिस है प्रॉपर्टीज लाइक लेबल लिमिट्स स्टिक्स मार्क्स ऑन देम दे आर टू एक्सिस इन अ प्लॉट एक्स एक्सिस द हॉजोंटल एक्सेस एंड द वर्टिकल एक्सेस सो एक चार्ट में क्या होता है एक्स एक्सिस होता है आपका ये आपका एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है ओके okay, तो इस पर आप एक्स लेबल देते हो वाई लेबल देते हो ओके okay, और आप आप यहां पे टिक्स देते एकस एकस पे देते हो आपके टिक्स होते हैं तो तो आप देते हो तो एक्सेस का नाम बताता है एक्सेस लेबल इट इज इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आप अलग अलग नेम्स देते हो या नेम को आप लेबल भी बोल सकते हो राइट लिमिट्स दिस डिफाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज इन नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिमिट्स क्या है कि आप रेंज ऑफ वैल्यूज देते हो ओके okay, जो मार्क की जाती है एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर लिमिट लिमिट मीन्स रेंज ऑफ वैल्यूज फाइन देन टिक मार्क्स टिक मार्क्स आर इंडिविजुअल पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ये यहाँ पर जो ये टिक्स लगे हुए हैं ये क्या है ये आपके टिक मार्क्स हैं राइट जिनको हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं पॉइंट करते हैं ओके okay? ओके okay, इनको क्या बोला जाता है टिक मार्क्स फाइन देन वी हैव टाइटल दिस इज द टेक्स डेट अपियर ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट टाइटल क्या होता है चार्ट का टाइटल जो आपके चार्ट के बिल्कुल टॉप पे आता है इट डिफाइंस वॉट द चार्टज अबाउट यू बताता है कि आपका चार्ट क्या शो कर रहा है क्या बता रहा है ओके देन यू हैव लेजेंड ये आपका लेजेंड है दीज आर द डिफरेंट कलर्स डेट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट तो लेजेंड क्या है डिफरेंट कलर से आपको बताते हैं कि आपने क्या डेटा प्लॉट किया है ठीक है जैसे आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डेटा आपने शो किया रेड में इंडिया का डेटा आपने दिया ग्रीन में ओके द दीजेंट आर शोन इन इन कॉर्नर ऑफ द प्लॉट तो आप इसको लेजेंड को कहीं पर भी शो करते हो कर सकते हो कॉर्नर में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में राइट right कॉर्नर में जहां पे आप शो करना चाहते हो फाइन ओके okay? वैसे तो हम ये कर चुके हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं एडिंग ए टाइटल टाइटल फंक्शन इज यूज टू गिव टाइटल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लॉट अगर आपको टाइटल ऐड करना है अपने ग्राफ में अपने चार्ट में तो आप टाइटल फंक्शन का पाइप प्लॉट के टाइटल फंक्शन का यूज़ करोगे सिंटेक्स क्या है मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट डॉट टाइटल और टाइटल के अंदर आप टाइटल की स्ट्रिंग दे दोगे जैसे यहाँ पे मैंने दिया पी एल टी डॉट टाइटल अबार चार्टन सिंपल तो यहाँ पे देखो आपने ये ऑल दो हम कर चुके हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं आपने क्या किया इम्पोर्ट किया मेट प्लॉट लिप लाइब्रेरी को मपाई लाइब्रेरी को ओके okay, फिर नम्पाई के आपने अरेंज फंक्शन का यूज किया अरेंज फंक्शन में आपने दिया फोर फोर इज द एंडिंग वैल्यू तो ये इस आ, कौन कौन सी वैल्यू लेगा जीरो वन टू थ्री फाइन वाई एक्सिस पे आपने सिक्वेंस ऑफ वैल्यू दिया है फाइव देन ट्वेंटी फाइव देन फोर्टी फाइव लाइक दिस तो आपने पी एल टी डॉट बार बार के अंदर एक्स एंड वाई सिक्वेंस को पास कर दिया और टाइटल फंक्शन देखो यहाँ पे प्लॉट के टाइटल फंक्शन का यूज किया है और यहाँ पे आपने दे दिया अ सिंपल बार चार्ट ओके तो और नेक्स्ट uh, आपने क्या किया इसको शो करा दिया तो आपका देखो यहाँ पे टाइटल आ गया है अ सिंपल बार चार्ट ओके तो आप प्लॉट मॉड्यूल के टाइटल फंक्शन का यूज करके टाइटल दे सकते हो अपने को, ओके, okay. अब आप लेबल्स कैसे दे सकते हो, ये हम कर चुके हैं फिर भी देख लेते हैं मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट डॉट एक्स लेबल वाई लेबल आप ऐसे दे सकते हो ठीक है ओके okay. अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट प्लॉट आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया नम को किया एक्स एक्स जो सीक्वेंस है वो आप क्या दे रहे हो वो आप कैसे कंसीडर कर रहे हो नम के अरेंज फंक्शन में आपने दिया फोर फोर इज द एंडिंग वैल्यू तो ये कौन कौन सी वैल्यू लेगा जीरो वन टू थ्री आप कोई भी सीक्वेंस दे सकते हो मैंने यहाँ पे ये करके दिया है ठीक है वाई ले लिया आपने बार फंक्शन की हेल्प से आपने एक्स और वाई को पास करा दिया तो एक्स लेवल वाई और वाई लेवल आप कैसे सेट करोगे पी एल टी डॉट एक्स लेवल फंक्शन ओके वाई लेवल और जो भी आपको एक्स और वाई पे देना है वो आप यहाँ पे एज अ सिक्वेंस पास कर दोगे टाइटल एंड देन शो फाइन ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी प्रोग्राम्स में तो सिंपल आप एक्स लेवल और वाई लेवल फंक्शन का यूज करके एक्स एक्सिस का लेवल और वाई एक्सिस एक्स का लेवल सेट कर सकते हो सेटिंग okay. एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स आप एक्स एक्सिस के लिमिट्स और वाई एक्सिस के लिमिट्स सेट कर सकते हो कैसे द फंक्शन एक्स एक्सिम एंड वाई लिम आर यूज टू सेट लिमिट्स फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो जो आप वैल्यूज दे रहे हो उसकी लिमिट्स आप सेट कर सकते हो कैसे करना है आपको सिंटेक्स का है मेट प्लॉट पाइपलॉट डॉट एक्सलिम अगर एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस की मैक्सिमम तो -min, लिमिट होनी चाहिए ऐसे आप वाई एक्सिसंक्शन uh, के, uh, के, के अंदर आप वाई मिन दोगे फाइन तो ये वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ जाएगी तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया मैट लिप, आ, के को को करा देन को कराया है आपने और जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो फोर हो फाइन राइट right? तो यहाँ पे इस नॉट विजिबल लेकिन यहाँ पे जो ये बन, बना है वो क्या है माइनस टू इसकी लिमिट है fine? Minus 2 से आ, आ, से स्टार्ट होगा और फोर्थ तक राइट अब आपने इसको प्लॉट करा दिया टाइटल दे दिया एंड शो करा दिया फाइन ओके सेटिंग टिक्स फॉर द एक्सिस अगर आपको टिक्स जो टिक्स ये ये जो लाइंस हैं इनको टिक्स बोलते हैं अगर आपको ये सेट करना है बाय डिफॉल्ट पाइप लॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड्स विच डेटा पॉइंट विल हैव टिक्स ऑन द एक्सिस ठीक है अपने आप डिसाइड करता है पाइपलॉट uh, के किस डेटा पॉइंट पे टिक्स आने चाहिए बट वी कैन ऑल्सो डिसाइड विच डेटा पॉइंट विल हैव टिक्स मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ टिक मार्क्स आने चाहिए ओके फॉर एक्स एक्सिस

देखो इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पाइपलॉट एस पी एल हमने पाइपलॉट को इम्पोर्ट कर लिया ठीक है एक्स सिक्वेंस ले ली एंड वाई सिक्वेंस ले ली एक्स हमारी क्या होगी जीरो वन टू थ्री ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन लिया है अब पी एल डॉट एक्स टिक्स फंक्शन का हमने यूज किया और हमने इसमें पास कर दिया कि कहाँ कहाँ पे टिक मार्क होना चाहिए जीरो पे वन पे टू पे एंड थ्री पे होना चाहिए राइट हमने एज अ सिक्वेंस इसको पास कर दिया फिर हमने क्या किया बार फंक्शन की हेल्प से बार को ड्रॉ किया है हमने एक्स एंड वाई सिक्वेंस

ओके नाउ एडिंग लेजेंड्स आप अपने ग्राफ में लेजेंड्स को कैसे ऐड करोगे व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन अ सिंगल प्लॉट इट बिकम्स नेसेसरी दैट लेजेंड्स आर स्पेसिफाइड तो क्या कह रहा है जब आप मल्टीपल रेंजेस एक ही प्लॉट एक ही प्लॉट के अंदर मल्टीपल रेंजेस ले रहे हो मतलब आप मल्टीपल बारग्राफ एग्जाम्पल ले लो आप मल्टीपल बारग्राफ बना रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है लेजेंड को देना जरूरी हो जाता है लेजेंड इज अ कलर और मार्क लिंक टू अ स्पेसिफिक डेटा रेंज बींग प्लॉटेड तो लेजेंड की हेल्प से आप बता सकते हो कि जो बार है जो आपने बार ड्रॉ किया है वो वो क्या शो कर रहा है फाइन टू प्लॉट लेजेंड वी नीड टू डू टू थिंग्स आप अगर लेजेंड le, uh, को शो करना चाहते तो आप क्या करोगे इन द प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट बार एक्सेट्रा गिव अ स्पेसिफिक लेवल टू द डेटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेवल तो आप क्या करोगे अगर आप लेजेंड को शो करना चाहते हो तो अगर आप लाइन ग्राफ यूज़ कर uh, रहे हो प्लॉट फंक्शन की हेल्प से बार ग्राफ यूज़ कर ड्रॉ रहे हो बार फंक्शन की हेल्प से तो आप क्या करोगे डेटा रेंज को एक स्पेसिफिक लेवल दोगे कुछ ना कुछ लेवल दोगे फाइन सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है एड लेजेंड टू प्लॉट यूजिंग लेजेंड फंक्शन आपको लेजेंड फंक्शन भी यूज़ uh, करना है ओके okay. और उसको आप उस लेजन फंक्शन के अंदर आप पोजीशन बताओगे कि किस पोजीशन पे आपको लेजन चाहिए फाइन तो इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से शो करती हूँ अभी ओके यहाँ पे आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया मेट प्लॉट लिप को इंपोर्ट कर लिया है पाई प्लॉट को राइट आपने वैल्यूज़ दे दी है ओके वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हमारे हमने सिक्वेंस दे दिया है फाइन एंड देन आपने uh, अरेंज फंक्शन से uh, क्या किया है uh, यहाँ पे आपने पॉइंट्स uh, uh, को स्पेसिफाई कर दिया है फाइन फर्स्ट स्टेप क्या है स्पेसिफाई लेबल फॉर ईच रेंज बीइंग प्लॉटेड यूजिंग लेबल आर्गुमेंट ब क्या करना है जो भी आप प्लॉट uh, uh, बना रहे हो ग्राफ दे रहे हो उसको आपको uh, उस uh, उसको आपको क्या करना है लेजेंड प्रोवाइड करना है राइट right? तो हमने यहाँ पे बार ग्राफ बना रहे हैं पी एल टी डॉट बार बार देखो एन पी डॉट अरेन्ज से हमने क्या किए पॉइंट्स स्पेसिफाई किए कि किस किस पॉइंट्स पे क्या होगा हमारे बार्स आएंगी फाइन तो हमने फर्स्ट बार जो फर्स्ट बार वो हमारी किस पे आएगी एक्स पॉइंट पे आएगी हमने एक्स प्लस जीरो दे दिया ठीक है और फर्स्ट जो हमारा बार है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी वो हमारी फर्स्ट वैल्यू की फर्स्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी ये जो यहाँ पे है फाइव ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव ट्वेंटी इसका

किस डेटा को शो करेगी ये सेकंड वैल्यू को ये वैल्यू के सेकंड लिस्ट को शो करेगी वैल्यू के सेकंड लिस्ट को राइट कलर इसका ग्रीन है विथ इसकी है अगेन पॉइंट टू फाइव लेवल हमने दे दिया रेंज टू फाइन ओके नेक्स्ट जो हमारा बार है जो थर्ड बार है वो हमारी किस पोजीशन पे आएगी देखो पॉइंट टू हो गए तो पॉइंट ऑलरेडी यूनिट कवर हो चुका है तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव जीरो फाइन और ये किसको शो करेगी इसकी ये वैल्यू के सेकेंड uh, जो इसके जो थर्ड लिस्ट है उसको शो करेगी ये ये हाँ ये होगी वैल्यू जीरो ओके दिस इज वैल देन ये इसकी होगी सेकेंड एंड ये इसकी होगी थर्ड फाइन इसका कलर रेड है विथ हमने अगेन टू लेबल हमने इसको दे दिया range 3. Fine, सबसे पहले हमने क्या करना था इम्पोर्टेंट जो हमें चीज करनी थी वो करना था हमें लेबल्स देने थे labels हमने दे दिया, range को range 1, range 2, range 3. Fine, अब आपको लेजेंड को ऐड करना है आपने क्या किया पी एल टी डॉट लेजेंड मतलब पाइपलॉट के लेजेंड फंक्शन के अंदर आप आपने क्या पास कर दिया लोकेशन जो आपका लेजेंड आए वो कहाँ आए अपर लेफ्ट फाइन आपने अपर लेफ्ट दे दिया एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग तो चार्ट आ गया है ओके okay, और आपका लेजेंड आ गया है अपर लेफ्ट कॉर्नर पर फाइन रेंज वन आपको ये ब्लू में शो कर रहा है ओके okay, क्योंकि आपने ब्लू कलर दिया था रेंज टू ये आपका ग्रीन में शो कर रहा है रेंज थ्री आपका रेड में शो कर रहा है ओके okay? ओके okay, अभी आपने बार चार्ट देखा था सेम हम लाइन चार्ट में कर सकते हैं या आपने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है numpy एंड मेट प्लॉट लाइब्रेरी राइट आपने डेटा ले लिया है डेटा में जो आपने वैल्यूज़ लिए हैं वो एज अ लिस्ट ली है एज अ ओके आपने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स एक्स डेटा पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं फ़ोर ओके मतलब आपकी आ, फिर आपने क्या किया प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया है ओके okay, फर्स्ट आपने एक्स लिया एक्स एक्स पे आपने क्या लिया डेटा जीरो लिया है यहाँ पे मतलब फर्स्ट लिस्ट आपकी जो है डेटा की वो ही प्लॉट करेगा कलर इसका आपने ब्लू लिया है एंड आपने लेबल इसका लिया है रेंज वन ऐसे ही आपने सेकेंड लिया है अगेन एक्स देन uh, uh, जो पॉइंट्स हैं एक्स मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है जीरो वन टू थ्री लाइक दिस राइट तो सेकेंड भी एक्स डेटा आपने वन लिया है मतलब ये वाला आपका डेटा आएगा कलर आपका ग्रीन एंड देन रेंज आपकी टू फाइन ऐसे आपने नेक्स्ट uh, थर्ड जो लाइन uh, uh, ली है वो आपने मतलब लाइन ग्राफ जो आप ले रहे हो वो डेटा टू को रिप्रेजेंट करेगा इस वाले लिस्ट uh, को रिप्रेजेंट करेगा कलर रेड है लेबल्स की रेंज थ्री दे दी ठीक है हमने लेजेंड le, फंक्शन uh, के अंदर पास करा दिया अपर लेफ्ट तो यहाँ पर हमारा अपर लेफ्ट पे हमारा लेजेंड आ जाएगा टाइटल आपने दे दिया मल्टी रेंज लाइन चार्ट एक्स लेबल वाई एक्स दे दिया है वाई लेबल वाई दे दिया है शो करा दिया है फाइन तो ये आप देखो इस तरीके से आपने क्या किया लेजेंड को क्रिएट कर दिया है मल्टी रेंज लाइन चार्ट में फाइन सेम प्रोसेस है ओके okay? नेक्स्ट वी हैव हमने अभी क्या किया लाइन चार्ट किया और क्या किया बार चार्ट किया अब हमारे पास क्या है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू द बायोग्राफ बट इट इज यूजफुल टू शो वैल्यूज ग्रूप्ड इन बिन्स और इंटरवल्स तो हिस्टोग्राम क्या करता है वैल्यूज को किस फॉर्म में शो करता है इंटरवल्स की फॉर्म में शो करता है बिन्स की फॉर्म में शो करता है और आप कह सकते हो ये रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करता है वैल्यू की रेंज को शो करता है पाइन फॉर एग्जाम्पल वी कैन कलेक्ट द एज ऑफ ईच एम्प्लॉय इन एन ऑफिस एंड शो इट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टोग्राम टू नो हाउ मनी एम्प्लॉज़ आर देयर इन द रेंज तो देखो मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम क्या करता है रेंज को शो करता है ठीक है बायोग्राफ क्या करता है कैटेगरीज को शो करता है हिस्टोग्राम रेंज को शो करता है तो अगर आपको रेंज करनी है कि कितने एम्प्लॉयज़ जीरो टू टेन ईयर्स की रेंज में आते हैं कितने टेन टू ट्वेंटी ईयर्स के रेंज में आते हैं लाइक दिस तो वहाँ पर आप हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हो ओके okay, तो यहाँ पे हम फंक्शन एक प्रोग्राम आते हैं डॉट एस पे आपने ले लिया एज सीक्वेंस राइट और आपने ले लिया ईयर्स फाइन अब पीएलटी डॉट हिस्ट आप हिस्ट फंक्शन का यूज करोगे पाइपलॉट के हिस्ट फंक्शन का यूज करोगे जहां पे आपने एज ले ली एज आपने पास कर दिया ओके okay? और बिन्स बिन्स मतलब जो आप uh, एक्स एक्सिस पे जो इंटरवल्स बनाना चाहते हो वो आपने क्या लिया है ईयर्स राइट तो ये एज को प्लॉट करेगा ठीक है एज को प्लॉट करेगा और bins, जो bins, जो रेंज रेंज आपने ली है वो क्या लिया है ईयर्स की फॉर्म में ली है ठीक है कलर आपने रेड लिया है और हिस्स टाइप आपने क्या लिया है बार ठीक है आर विथ आपने क्या लिया है पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स मतलब क्या है ये सिक्सटी परसेंट पोर्शन कवर करेगा ठीक है ऑफ हंड्रेड परसेंट जो आपका इंटरवल है मतलब जो आपकी रेंज है वो कितना है हंड्रेड परसेंट उसका कितना कवर करेगा ये सिक्सटी परसेंट बार जो है आप बना रहे हो उसका 60 करेगा. तो आर विद क्या है? रिलेटिव विथ ओके okay? तो क्या होता है इंटरवल की विथ कितनी है हंड्रेड परसेंट जिसका सिक्सटी परसेंट पोर्शन कौन कवर कर रहा है बार कवर कर रहा है तो यहाँ पे उस, जो बार है उसके Uh, उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कितना कितना गैप है 20 20 परसेंट का गैप है फाइन जो एक इंटरवल है मतलब एक रेंज है वो कितना कवर करी 100 परसेंट इसने कवर किया 60 परसेंट तो 20 परसेंट स्टार्टिंग में uh, uh, इसका गैप है और 20 परसेंट एंडिंग में गैप है ओके okay? आपने एक्स लेवल दे दिया ईएमपी एज राइट right, आपने वाई लेबल दे दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ओके एंड द टाइटल आपने दे दिया हिस्टोग्राम पीएलटी शो तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लाइज यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और ओके uh, okay, यहाँ पे आपका बार की फॉर्म में uh, क्या हो रहा है रेंज डिस्प्ले कर रहा है कि टेन टू ट्वेंटी के बीच में जिसकी एज है वो कितने परसेंट हैं देन नंबर ऑफ एम्प्लॉज हैं देन ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में कितने लोग आते हैं एज ग्रुप में देन थर्टी टू फोर्टी एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं लाइक दिस फाइन ओके okay. यहाँ पे देखो मैंने सेम प्रोग्राम लिया है सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे हम मैंने एक और आर्ग्यूमेंट uh, ऐड कर दिया एज कलर एज कलर ब्लैक तो यहाँ पे जो बार्स की जो एज है उसका कलर क्या आ गया है ब्लैक आ गया है सिंपल आपने एज लिया ओके okay. एज आपका कहाँ जाएगा एक्स एक्सिस पे जाएगा ओके okay. मतलब सॉरी एज आपका क्या है प्लॉट प्लॉट होगा ओके okay. ईयर्स यर्स yes, आपने क्या बना दिया इंटरवल्स बना दिया है जो एक्स एक्सिस पे आएगा ठीक है आपने कलर रेड दे दिया हिस्ट टाइप बार दे दिया रिलेटिव विथ आपने पॉइंट सिक्स दे दिया है आपने एच कलर ब्लैक दे दिया तो यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम में जो आपके बार्स आए हैं उसके एच का कलर क्या है ब्लैक है सिंपल सेम प्रोग्राम है फाइन ओके okay. अब आप अगर चाहते हो जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं उनको आप सेव करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सेव अ प्लॉट क्रिएटेड यूजिंग पाई प्लॉट फंक्शन फॉर लेटर यूज और फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स यू कैन यूज सेव फिग फंक्शन टू सेव द प्लॉट आप सेव फिग फंक्शन का यूज़ करके अपने ग्राफ को सेव कर सकते हो तो इसका क्या सिंटेक्स है मेट प्लॉटलेप डॉट पाइपलॉट डॉट सेव और यहाँ पे savefig के अंदर आप क्या करोगे फाइल पाथ दे दोगे जहाँ पे आप अपने ग्राफ को सेव करना चाहते हो यू कैन सेव फिगर इन पॉपुलर फॉर्मेट लाइक पी डी एफ पी एन जी ई एस पी तो आप किसी भी फॉर्मेट में पी डी एफ में पी एन जी में आप इसको सेव कर सकते हो फाइन तो देखो सिंपल मैंने करके दिखाया मेट प्लॉट डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी एक्स वाई सिक्वेंस आपने लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपने क्या किया पी एल टी डॉट सेफिक सेफिक के अंदर आपने क्या दिया आपने ई uh, ड्राइव e के अंदर लाइन के नेम से और डॉट पी डी एफ मतलब ये पी डी एफ फॉर्म में सेव होगा आपने इसको सेव कर दिया एंड देन शो तो यहाँ पे क्या होगा ई e ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा ओके ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो Most probably, I'll start a series for exam preparation. Okay, so subscribe my channel for more useful videos. All the best for your exams. Be safe, be happy. Bye bye.